मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, मतलब चुनाव लड़ने के लिए विधायक खरीदने के लिए। ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं, और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, 5 शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति परंपरा इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, 5 कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने के लिए 5 होते हैं जो 5 लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है, तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है यह एक वैचारिक यात्रा है और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी में पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे, उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, मतलब चुनाव लड़ने के लिए विधायक खरीदने के लिए। ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है, और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान ना जाए, उनका ध्यान इस तरफ ना जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। यह बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं, फूट डालो राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब आप झारखंड में भी देख लीजिए, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान खदान फैक्ट्री खेत एयरपोर्ट रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 1 साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा, 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए, 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को, इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है, और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोर्ट बिल की बात की गई, और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई, यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की, और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से ये इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। और हमारा कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे, और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा, देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके, सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराया गया। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है, हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं? मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं, और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है, और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है? देवघर का सवाल क्या होता है?
देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो आपस में मिल करके शांतिपूर्वक रह सकें, ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं, जो ये किए हैं पीछे से उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं, जो नफरत लेके आएंगे ना उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय, वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं, वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं हम उनके लिए न्याय चाहते हैं, वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं, और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है बोकारो में, आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी, यही सच है ना। इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं, यही कांग्रेस की विचार है और यही देश का विचार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।